देखिए जो ये हमने पीस कट किए हैं, तो ये वो फैब्रिक है जैसे कि तो ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा चलिए इनका रीयूज करते हैं। तो अब ये देखिए हमने इस तरीके से लंबी लंबी पट्टियां हैं जो तैयार कर ली हैं। अब हमें इसमें से हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू आइडिया लेकर आ चुकी हूँ जो कि आपको बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगने वाला है। और सारा ही मैं कल वेस्ट जो आपके पास पड़ा होता है मटेरियल उससे ही बताने वाली हूँ। तो जैसे कि बच्चों के हमारे कुछ जीन्स वगैरह होते हैं डेनिम के, जैसे कि ये, तो आज इन्हीं से हम कुछ बनाने वाले हैं और आपको बहुत पसंद आने वाला है। जैसे कि ये जीन्स के बहुत सारे हमारे पास पैंट वगैरह होते हैं, बड़ों के छोटों के, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो इनका ही आज हम यूज़ करेंगे और इनसे बहुत यूज़फुल कुछ बनाने वाले हैं। तो फुल वीडियो देखिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो, और ज़्यादा अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कि बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो को वॉच करते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ मैंने देखिए इतने सारे फैब्रिक लिए हैं और इसमें से सारे जीन्स के ही फैब्रिक हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ जीन्स के ही फैब्रिक लेने हैं, आप किसी भी फैब्रिक का यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने जो नीचे बॉटम वाले पीस हैं ये सारे कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ ऊपर मैंने जो अनइवन है वहाँ एक लाइन ड्रॉ की है, फिर वहाँ से मैंने नीचे की साइड में 1.5 इंच पर निशान लगाया है और इस तरीके से यहाँ मैंने मार्किंग कर ली है। तो इस तरीके से मैं 1.5 इंच चौड़ी पट्टियां कट करूंगी और लंबाई जितना बड़ा पीस है आपके पास उतने लंबे पीस आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने इस पीस को कट किया, इसी तरीके से मैंने यहाँ जो सारे फैब्रिक पड़े हुए थे उनमें से ये इतने सारे पीस कट कर लिए हैं। फ्रेंड्स देखिए जो ये हमने पीस कट किए हैं, तो ये वो फैब्रिक है जैसे कि जीन्स वगैरह होती हैं बच्चे उन्हें शॉर्ट कराते हैं, तो उनमें से मैं इस तरीके से जो सारे पीस थे सारे मैंने रख दिए थे, तो ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे तो मैंने सोचा चलिए इनका रीयूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास इतने छोटे छोटे पीस नहीं हैं तो जैसे कि हमारे पास वेस्ट जो जीन्स वगैरह होती हैं तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इसी तरीके के अलग अलग फैब्रिक होने चाहिए, आप घर में जो भी फैब्रिक है उनका यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके के पीस कट कर सकते हैं। तो अब इन्हें हमें करना है जॉइंट, तो हम इन्हें लंबी लंबी स्ट्रिप बना लेंगे, फिर उनमें से हमें कितनी लेंथ चाहिए तो वो हम मेज़र करके हम कट कर लेंगे। तो चलिए पहले इन्हें हम अटैच कर लेते हैं, उसके बाद मेज़र करेंगे। अब हमने जो यहाँ 1.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट की हैं तो उन्हें इस तरीके से हमें यहाँ एक दूसरे के साथ अटैच करना है। तो इनकी लंबाई एक जैसी नहीं है, किसी की छोटी है किसी की बड़ी है, तो इस तरीके से बस एक के ऊपर एक को हमें रखना है और यहाँ सिलाइयाँ लगाते जाना है। तो इस तरीके से ये देखिए जो सीधा वाला पार्ट है वो सीधे वाले पार्ट के ऊपर इस तरीके से हमें रखना है और बस फिनिशिंग के साथ हमें यहाँ सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से लंबी लंबी हमारी जो पट्टियाँ हैं वो तैयार हो जाएंगी। अब ये देखिए हमने इस तरीके से लंबी लंबी पट्टियां हैं जो तैयार कर ली हैं। अब हमें इसमें से 16 इंच के लंबी लंबी पीस चाहिए, तो उन्हें हमें कट करना है। तो यहाँ से नापते हुए तो हम 16 इंच के पीस कट करेंगे। अब हमने जो ये पट्टियाँ तैयार की हैं इनमें से अब हमें यहाँ 16 इंच की पट्टियाँ कट करनी है। देखिए इतना हमने नाप लिया 16 इंच और यहाँ से इसे कट कर दिया। अब इसी पट्टी को लेंगे और इस पट्टी के ऊपर रखेंगे और यहाँ और भी पट्टियाँ हैं वो हम कट कर लेंगे। अब यहाँ हमें टोटल कितनी पट्टियाँ चाहिए तो वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ हमें टोटल चाहिए 10 पट्टियाँ, तो इस तरीके से 16 इंच की हमने 10 पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो 5 हम एक तरफ के पीस के लिए लेंगे और 5 एक तरफ के पीस के लिए लेंगे। तो अब यहाँ देखिए ये पट्टी हमने ली 2, एक के ऊपर एक इस तरीके से रखा और सिलाई लगाई। अब किस तरीके से सिलाई लगानी है वो भी मैं आपको बताती हूँ।
अब देखिए यहाँ ये दो पट्टियाँ हैं, इन्हें इस तरीके से सीधे के ऊपर सीधा रखना है और यहाँ हमें सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो यहाँ हमने जॉइंट लगाया है यानी कि छोटी छोटी पट्टियों को अटैच किया है, तो इनकी जो सिलाई है उन्हें हमें यहाँ फैलाते हुए यहाँ स्टिच करना है, यानी कि जो सिलाई है उसे इस तरीके सिक्के से हमें यहाँ चीरना है और चीरने के बाद इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इससे ये होगा कि हमारी जो सिलाई है वो फिनिशिंग के साथ लगेगी और एक जगह पर एकदम थिकनेस नहीं आएगी, दोनों साइडों में इक्वल फैब्रिक आएगा। तो यहाँ इस तरीके से हमें इन पट्टियों को ज्वाइंट करना है, इस बात का बस ध्यान रखिए। तो फिनिशिंग के साथ हमारा ये काम होगा। अब यहाँ एक पट्टी को हमने अटैच कर लिया, अब इस पट्टी को अटैच करने के बाद एक और पट्टी लेंगे और उसे इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ टोटल हमें 5 पट्टी एक पीस के लिए चाहिए। तो यहाँ देखिए 4 पट्टी मैंने अटैच कर ली है, तो जो 5वीं है वो मैंने इस तरीके से ले ली और इसे भी अटैच कर लिया। तो यहाँ टोटल मैंने 5 पट्टियों को अटैच कर दिया। अब इसी तरीके से 5 पट्टी हमें अलग से अटैच करनी है। तो देखिए ये मैंने 5 पट्टी अलग से अटैच कर ली हैं, तो दो अलग अलग ये पीस हो गए हैं 5 पट्टियों के। तो अब जो ये पीस हैं इनको हम प्रेस करेंगे, लेकिन अभी हम इन्हें थोड़ा सा काम और करेंगे, उसके बाद में ही आयरन करेंगे। तो यहाँ देखिए एक ये फटा हुआ जीन्स था शिव का, छोटा था तब का है, बड़ा जीन्स नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है। तो इसमें से हमें कुछ पीस कट करने हैं। तो यहाँ मैंने जो पीस कट किए हैं वो किए हैं 16x5 इंच के 4 पीस। तो यहाँ देखिए 4 पीस हमने कट किए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ देखिए 4 पीस हमने यहाँ कट किए हैं। अब जो ये पीस हमने तैयार किए हैं इनके साथ हमें इन्हें अटैच करना है। तो यहाँ एक पीस लेंगे, उसे इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर यहाँ इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा देंगे। और अब दूसरा पीस लेंगे, उसे नीचे वाली साइड में इस तरीके से रखेंगे और फिर इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से ये पीस हमारा देखिए तैयार हो चुका है। तो अब जो दूसरा वाला पीस है उसे लेंगे और उसको इसी तरीके से फैला लेंगे और जो 2 पीस बचे हैं उनको भी इसी तरीके से हम यहाँ अटैच कर लेंगे। तो सीधा वाला पार्ट सीधे वाले पार्ट के ऊपर रखना है और हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से ये वाला पीस भी हमने तैयार कर लिया है। अब तैयार करने के बाद इस पर कर लेंगे हम आयरन दोनों साइडों से, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ दोनों पीसों पर हमने आयरन कर ली है। अब आयरन करने के बाद यहाँ एक लेंगे हम लाइनिंग के लिए पीस। अब लाइनिंग के लिए पीस हमने ले लिया है। अब यहाँ आप फॉर्म शीट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कपड़ों में निकलती है, जैसे हम न्यू कपड़े लेके आते हैं कभी कभी उनमें फॉर्म शीट निकल आती है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, मार्केट से भी ला सकते हैं, या फिर आप घर में वेस्ट पड़ी हुई जो बोरियाँ होती हैं प्लास्टिक बोरी उनका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ प्लास्टिक बोरी का ही यूज़ करूँगी और इसके ऊपर इस जो पीस हमने तैयार किया है उसे रखेंगे और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही एक और लाइनिंग का पीस ले लिया हमने और फिर इसके ऊपर जो प्लास्टिक बोरी का पीस है उसे रखा और इस पीस को रखा और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए ये इसके चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये नीचे लाइनिंग का और प्लास्टिक बोरी का पीस ज़्यादा ही क्यों लेती है। तो इस तरीके से आप अगर ज़्यादा लेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी आप काम करेंगे बहुत फिनिशिंग के साथ होगा। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके चले। तो यहाँ देखिए जो साइडों में एक्स्ट्रा है उसे अब हम कट कर लेंगे। तो यहाँ इस तरीके से इसे मैंने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद ये एकदम फिनिश हो चुका है। अब ये दोनों पीस हैं इनका क्या मेजरमेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ मैंने ये 16x12 इंच के 2 पीस लिए हैं। तो अगर इस तरीके से जो डेनिम के पीस हैं उन्हें ज्वाइंट नहीं करना चाहते हैं, आपके पास कोई फैब्रिक है तो उससे भी आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ एक के ऊपर एक हमने ये पीस रख दिया और दोनों साइडों में हमें लगानी है सिलाई। तो जो सीधे वाले साइड हैं वो अंदर की साइड हैं। अब यहाँ मैंने एक पेपर लिया है और पेपर लिया है मैंने 10x10 इंच का। अब इस पेपर को हमें करना है डबल फोल्ड। अब फिर एक बार फिर हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब इसे फोल्ड करने के बाद में जो ये खुली हुई साइड है वो ऊपर की साइड होनी चाहिए और जो बंद वाली साइड है वो नीचे की साइड होनी चाहिए। और यहाँ हम 5x5 इंच पर नीचे से निशान लगाएंगे और बिल्कुल हमें नीचे 5 इंच पर ही रखना है और इस तरीके से गोलाई में निशान लगाते जाना है। और यहाँ देखिए राउंड, एकदम राउंड जो शेप है वो आ जाएगा और इस तरीके से जो राउंड बनाया है उसे हमें कट करना है और इस तरीके से ये सर्कल हमारे पास तैयार हो गया। अब यहाँ लेंगे हम लाइनिंग का पीस, फिर लेंगे प्लास्टिक बोरी का पीस, इसके ऊपर जो डेनिम का पीस है उसे रखेंगे यानी कि जीन्स का, और इसके ऊपर जो सर्कल हमने तैयार किया है उसे रख देंगे और इसे कर लेंगे हम पिनअप। अब इसे पिनअप करने के बाद में यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई नहीं लगाएंगे और पूरे पीस में हम यहाँ इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे जो हमने ये राउंड शेप तैयार किया है उसके।
तो बिल्कुल हमें हमने ये बिल्कुल जरा जरा सा इससे चिपकाते हुए सिलाई लगाई है। अब जो इसके साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक का पीस और प्लास्टिक बोरी का पीस है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक और प्लास्टिक बोरी के पीस को कट करने के बाद ये देखिए हमारे पास 10x10 इंच का सर्कल तैयार हो गया है। अब यहाँ मेरे पास ये एक फॉर्म शीट पड़ी हुई थी, ये एकदम थिक वाली है जो जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक वगैरह का सामान मंगाते हैं तो उसमें निकलती है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। तो मैंने जो ये सर्कल तैयार किया है 10x10 इंच का, तो वहाँ मैंने इस तरीके से इसे ड्रॉ कर लिया, और ड्रॉ करने के बाद हमें 9x9 इंच का यहाँ जो सर्कल है वो लेना है, यानी कि 1 इंच छोटा हमें, यानी कि 1 इंच कम यहाँ हमें जो सर्कल है वो लेना है। तो इस तरीके से मैंने इसे ड्रॉ कर लिया और फिर इसे 9x9 इंच का कट कर लिया। अब कट करने के बाद में इसके ऊपर जो ये हमने जो पेपर यहाँ लगाया था इसे हम निकाल देंगे, और निकालने के बाद में जो हमने ये फॉर्म शीट तैयार की है 9x9 इंच की, इसको हम इसमें इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए यहाँ हमने जो खुला हुआ पीस छोड़ा है, यहाँ हमने सिलाई नहीं लगाई है, यहाँ से हम इसे इंसर्ट करेंगे। तो इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसमें इस तरीके से सेट कर देंगे, तो ये बहुत आसानी से इसमें सेट हो जाता है। इससे जो हमारा हम बैग बना रहे हैं वो एकदम स्टिफ और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये देखिए इसके जो खुला हुआ साइड था उसको हमने स्टिच कर दिया है। अब स्टिच करने के बाद में ये पीस हमने जो तैयार किया था तो इसका जो बॉटम वाला पार्ट है उसे हमें लेना है, और इसका जो सीधा वाला पार्ट है वो हमें नीचे की साइड रखना है, और लाइनिंग वाला ऊपर की साइड रखना है, और इसे करना है पिनअप। तो इसे चारों साइडों से हम पहले पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने से हमारी जो सिलाई है वो एकदम फिनिशिंग के साथ आती है, और हमें पता चल जाता है कि हमारा पीस एकदम सही बना है या नहीं। तो आप बिल्कुल जैसे मैंने बताया उसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपका जो ये पीस है बहुत ही एकदम सेट बैठेगा। तो देखिए यहाँ ये एकदम फिक्स बैठा हुआ है। अब इसके चारों तरफ हम लगा लेंगे सिलाई। ये देखिए इसके चारों तरफ हमने लगा ली है सिलाई। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे करेंगे हम सीधा, और ये देखिए कितना अच्छा इसका बेस बना हुआ है, और इसकी डिज़ाइन भी बहुत सुंदर लग रही है। अब यहाँ जो ये पीस है इसे तैयार करने के बाद में यहाँ मैंने ली है 2 स्ट्रिप। तो यहाँ 3x22 इंच की मैंने 2 स्ट्रिप ली हैं। अब इनको हमें दोनों साइडों से फोल्ड करना है और फिर बीच में से फोल्ड करना है, और यहाँ हमें बेल्ट तैयार करनी है। तो इसके चारों साइड हमें लगानी है सिलाई। ये देखिए दोनों जो बेल्ट हैं वो मेरी तैयार हो चुकी हैं। अब बेल्ट तैयार करने के बाद में यहाँ मैंने 2 स्ट्रिप और ली हैं। ये जीन्स की ही स्ट्रिप हैं, और यहाँ ये 13.5x4 इंच की हैं, यानी कि 13.5x4 इंच की हमने ये स्ट्रिप ली है, और यहाँ 13.5 इंच की ही हमने चैन ली है। अब यहाँ एक पीस को हम लेंगे और जो चैन का सीधा वाला साइड है इसे नीचे की साइड इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, और फिर जो पीछे जो पीस है उसे इस तरीके से पलटेंगे और इसके ऊपर रखेंगे चैन के ऊपर, यहाँ लगा देंगे सिलाई। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है, और पीछे की साइड ये बंद है तो इसे करेंगे हम ओपन। तो यहाँ एकदम जो पीछे वाली साइड है वहाँ से मैंने इसे कट कर दिया, और कट करने के बाद में जो चैन है उसे इस तरीके से हम बाहर निकालेंगे, और इन दोनों पीसों को इस तरीके से सेट करते हुए इस पर हम टॉप स्टिच लगा देंगे। तो मैंने इस पर आगे भी टॉप स्टिच लगा दी, और पीछे से भी इसे मैंने बंद कर दिया है, यानी कि दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है। अब जो ये दूसरा वाला पीस है उसे भी हम इसी तरीके से अगर इस पर सेट करेंगे तो फिर हमें पीछे से कट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए हम इसे पहले ही कट कर लेंगे। तो देखिए ये जो पीस है इसे मैंने पहले ही हाफ कर लिया है। और फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियोस कहाँ से देखते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे लिए एक कमेंट भी कर दीजिएगा। तो यहाँ बस ये जो पीस है वो मैंने कट कर लिए। अब जो चैन है उसे इसके ऊपर रखा, और जो दूसरा वाला पीस है उसे इस तरीके से रखा, और यहाँ सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद में जो फैब्रिक है उसे आगे की तरफ करेंगे, और यहाँ हम लगा लेंगे टॉप स्टिच, और इसके जो पीछे वाली साइड है वहाँ भी लगा लेंगे हम सिलाई। तो ये देखिए यहाँ ये 2 रनर हैं वो मैंने डाले हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से। तो ये हमारी चैन पट्टी तैयार हो गई। अब जो ये बैग है इसे लेंगे हम और इसका मिडिल में निशान लगाएंगे। तो मिडिल में निशान लगाने के लिए जो दोनों स्टिच लाइन है उन्हें मिलाते हुए यहाँ मिडिल में इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। अब मिडिल में निशान लगाने के बाद 2.5 इंच पर इस साइड निशान लगाएंगे, और 2.5 इंच पर इस साइड निशान लगाएंगे, और जो बेल्ट हमने तैयार किए उन्हें इस तरीके से रखेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ जो मिडिल में निशान लगाया है वहाँ से हम 2.5 इंच पर इस साइड और 2.5 इंच पर इस साइड निशान लगाएंगे, और बेल्ट को रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों
साइडों में बेल्ट हमारी अटैच हो चुकी हैं। अब यहाँ मैंने लिया है एक फैब्रिक का पीस, तो ये 11x10.5 इंच का है, यानी कि 11x10.5 इंच का ये पीस है। इसे डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और यहाँ इतने में हम सिलाई नहीं लगाएंगे। तो ये जो पीस हमने बीच में खुला छोड़ा है जहाँ सिलाई नहीं लगाई है, वहाँ से इसे पलटेंगे पीस को। तो यहाँ इस तरीके से इसे हमने पलटा और पलटने के बाद में ये खुला हुआ पीस है, इसमें भी सिलाई लगाएंगे और पूरे पर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये पीस हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ हमने 16x12 इंच के 2 पीस लिए हैं। अब इसमें से एक पीस को हम लेंगे और जो ये हमने पीस तैयार किया है इसे इसके ऊपर रखेंगे और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर सिलाई लगाएंगे और ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए 2 पॉकेट हमारी यहाँ बन चुकी हैं। अब ये दूसरा वाला पीस था जो इसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ दोनों साइडों में हम सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ हमने 10.5x10.5 इंच का ये सर्कल यहाँ लिया है, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं किस तरीके से तैयार करना है। अब इसको हमें यहाँ दोनों साइड में सिलाई लगा के और इसको नीचे बॉटम में हमें स्टिच करना है, जैसे हमने जो बैग है उसमें बनाया है। अब यहाँ दोनों साइडों में सिलाई लगाई है, लेकिन यहाँ इतने पीस को हमने खुला छोड़ा है और यहाँ नीचे सिलाई लगा दी और ये बॉटम में जो सर्कल है उसे हमने स्टिच कर दिया है। अब जो ये बैग है इसे करेंगे हम उल्टा और उल्टा करने के बाद में ये जो चैन पट्टी हमने तैयार की है इसका सीधा वाला साइड नीचे की साइड रखेंगे और यहाँ मिडिल में जो निशान लगाया था और तो उसका निशान यहाँ इसके मिडिल में हमने निशान लगा लिया। इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे, इसी तरीके से यहाँ मिडिल में मिडिल को यहाँ इस तरीके से पिनअप कर देंगे और यहाँ जो चैन वाला पीस है और जो ये स्टिच लाइन है इन दोनों को मिलाएंगे, यहाँ इन्हें पिनअप कर देंगे और यहाँ भी इसी तरीके से इसे हम पिनअप कर देंगे। अब इसे पिनअप करने के बाद में इसके चारों तरफ हमें लगानी है सिलाई और बहुत आराम से एकदम आपका फिक्स बैठेगा, अच्छे से आप धीरे धीरे इसमें सिलाई लगा सकते हैं। और आपको आने वाले वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैं कितने नंबर की सुई का इसमें यूज़ कर रही हूँ, तो आने वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा और अपना एक मेरे लिए कमेंट ज़रूर लिखिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। और प्लीज़ अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से पूरे राउंड में हमने स्टिचिंग लगा ली है। अब चैन को हम खोलेंगे। अब ये जो पीस हमने तैयार किया है इसे करेंगे हम सीधा, इस तरीके से ये हमने सीधा कर लिया। अब सीधा करने के बाद में इसे हम इसमें अंदर सेट करेंगे और सेट करने के बाद में जो इसकी स्टिच लाइन है उसे यहाँ स्टिच लाइन से मिलाएंगे और यहाँ पिनअप करेंगे और इस साइड में भी इसी तरीके से पिनअप कर देंगे स्टिच लाइन को स्टिच लाइन से और यहाँ मिडिल में इन दोनों को पिनअप कर देंगे और पूरे को यहाँ हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इसे भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ जो ये खुला हुआ पीस था यहाँ से हम पूरे बैग को पलट लेंगे, यानी कि अब हम इसे कर लेंगे सीधा। तो सीधा करने के बाद में ये देखिए यहाँ ये खुला हुआ पीस है, इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ इसे हम कर देंगे स्टिच। अब ये हमने कर दिया स्टिच, इसे कर देंगे अंदर सेट और सेट करने के बाद में यहाँ ये जो चैन पट्टी हमने अटैच की है यहाँ हम लगाएंगे टॉप स्टिच इस साइड भी और जो इसकी दूसरी वाली साइड है इस साइड भी और जो बेल्ट है उसे हम ऊपर की साइड रखेंगे। और ये देखिए हमारा एक बहुत ही प्यारा सा टोटे बैग कह लीजिए आप या फिर शोल्डर बैग कह लीजिए, तो ये हमारा बनकर तैयार है घर में वेस्ट पड़ी हुई चीज़ों से और एकदम यूनिक सा और न्यू डिज़ाइन है। और अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे लिए एक कमेंट भी कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे।